कैसे हो आप लोग? बिल्कुल बढ़िया दोस्तों। हम लोग हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, आपने भी चढ़ा होगा, सब कुछ चढ़े होंगे हवाई जहाज पे। कभी किसी ने सोचा है कि वो क्या एवरेज देता है? हम लोग के पास गाड़ियां हैं, फोर व्हीलर है, स्कूटी है, सब कुछ है, बाइक है, जो कुछ भी है, हम लोग उसके एवरेज के बारे में जानते हैं कि वो क्या एवरेज देता है। लेकिन कभी आपने कभी ये सोचा है कि ये जो हम लोग एरोप्लेन पे चढ़ते हैं वो क्या एवरेज देती होगी? कभी किसी ने नहीं सोचा। ये जाहिर सी बात है, बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि ये क्या है। ये शायद उन्हीं को पता होगा जो उसमें फ्यूल डालते होंगे, या तो कैप्टन को, दोनों से। तो दोस्तों, जहाँ तक कि मैंने सर्च किया और पाया ये इसकी एवरेज क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अपनी बाइक के बारे में जान सकते हैं, हमारी फोर व्हीलर ही है, लेकिन उसकी एवरेज कुछ हटके है। यानी वो प्रति सेकेंड, बोइंग जैसे, बोइंग 320 जो एयरलाइंस होती है, जैसे बोइंग A320 जो 300 सीट की होती है, उनकी जो फ्यूल होती है, जो ईंधन होती है, उनकी ईंधन की खपत पर सेकेंड यानी 4 लीटर होती है। अब आप इसी के अनुसार आप अनुमान लगा दो कि वो दुबई, हांगकांग, कहीं कहीं जाते तो उनकी कितनी फ्यूल स्टोरेज है, उनकी फ्यूल कौन सी होती है, यानी ईंधन कौन सा यूज होता है। तो मैं बता दूं दोस्तों, ईंधन 100% प्योर ओरिजिनल ईंधन रिफाइन किया होता है। वो एक्चुअली जो मार्केट में नहीं मिलता, उनके लिए एक स्पेशली ही ईंधन आती है। और उसकी कॉस्ट हम लोग से इंजन से काफ़ी सस्ती होती है भाई। आपको विश्वास नहीं तो आप उसको गूगल में सर्च करना, गूगल आपको आंसर देगा। 52 से 53 रुपये लीटर की ईंधन आती है उनकी। सोचो हम लोग से महंगा कैसे हो सकता है पेट्रोल, सस्ता कैसे हो सकता है। मैंने इसके बारे में सर्च किया क्योंकि उनकी ईंधन प्योर रिफाइंड, और उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ना कि हमारे यहाँ आते हैं तो बहुत सारे टैक्स लग जाते। उनकी नहीं, उनकी सब एक ही होती है। तो ऑल इंडिया एक ही रेट उन लोग का फ्यूल का होता है। मैंने सर्च किया, मैंने देखा है कि एक हवाई जहाज में कितना फ्यूल होता है, 15,000 लीटर, कम से कम 15,000 लीटर वो लोग करते हैं। तो सोच लो भाई, यहाँ से अगर मान लो पटना से दिल्ली जाने तो 15,000 लीटर लेके चलेगा वो। और जहाँ भी हर एयरपोर्ट पर जैसे कोई फ्लाइट लैंडिंग करती है, तुरंत फ्यूल वाले पहुँच जाते हैं। तो भाई मेरे को ये क्वेश्चन है कि मैं इसके बारे में सर्च करता हूँ कि आखिर एक एयरोप्लेन की एवरेज क्या होती है। हम लोग को अपनी बाइक की एवरेज पता है कि भाई 60 किलोमीटर चलती है, कार हम लोग की 20 किलोमीटर चलती है। वैसे ही मेरे को ये आश्चर्य हुआ, मैंने सोचा मैं जब फ्लाइट में जब जाता हूँ, मैं सोचा कि ये सवाल मैं कैप्टन या क्रू मेंबर से मैं करूँ। फिर मैं कहा छोड़ो, मैं इसके बारे में सर्च करूँगा। उसके बाद ये क्या, ये सच है या झूठ है? मैं फिर कभी ट्रैवल करूँगा तो मैं डायरेक्ट जाकर उनसे ये सवाल करूँगा, और मैं उन्हीं के द्वारा ये वीडियो मैं उनसे पूछूंगा और वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं यूट्यूब पे पोस्टूंगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। वैसे भी बहुत वीडियो देखे जा रहे हो आप लोग, कोई जल्दी सब्सक्राइब करना नहीं जा रहा। अरे भाई थोड़ी ना ऐसी बात हुई यार, बंदा को सपोर्ट करो यार, बंदा थोड़ा तो आगे बढ़े यूट्यूब पे, हम थोड़ा पीछे हो गए ना भाई। वैसे हमारा पिछला ब्लॉग आपको थाईलैंड का अच्छा लगा होगा, तो वैसे ऐसे ऐसी जानकारियाँ मैं आपको देता रहूँगा। तो हमारे ऐसे ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को भी बताएं। ये जो सब्सक्राइब और बेल आइकन है उसको ऐसे दबाना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुक्रिया, गुड नाइट, टेक केयर।